हेलो फ्रेंड, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ANM की परीक्षा लिया जाना है, जिनका डेट नज़दीक आ गया। अगर आपको भी 8,853 पदों में आपका सीट पक्का करवाना है, तो ये VBI टेक्निकल क्वेश्चन जो कि 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे। वीडियो बिल्कुल देखिए आसानी से, और आप लोग को परीक्षा का बस अब 7 दिन बच गया, तो अभी 7 दिनों में धमाकेदार तैयारी कीजिए और अपना एक सीट पक्का करें 8,853 में। साथ ही फ्रेंड, आपको ये VBI क्वेश्चन का PDF अगर लेना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है VBI क्वेश्चन का PDF लेने के लिए आपको हम एक दिखा देते हैं, इसका एडवांटेज क्या सब है। सबसे पहले फ्रेंड, हम बता दूँ कि अगर आप लोग ये टेक्निकल क्वेश्चन का PDF लेना चाहते हैं, तो ANM का जितने भी सब्जेक्ट रहते हैं उन ऑल सब्जेक्ट का टेक्निकल क्वेश्चन इसमें इंक्लूडिंग है। सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। साथ ही फ्रेंड, आपको अगर लेना होगा तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, ये नंबर नोट करके रख लीजिए। साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये नंबर मिल जाएगा। हम बता देते हैं, इसका फीस सिर्फ 75 रुपया रखा गया है। 75 रुपया आप लोग पेमेंट करेंगे और अपने व्हाट्सअप पर ये PDF मंगा सकते हैं और आराम से घर बैठे आसानी से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही अच्छे हैं। इसमें जो है कुछ और बातें हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी इंक्लूडिंग है। साथ ही रेलवे का जो नर्स एग्जाम हुआ उसका भी क्वेश्चन इंक्लूड है। 4 स्टेट का नर्स एग्जाम हुआ है उसका भी इसमें क्वेश्चन इंक्लूडिंग है। साथ ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी इसमें इंक्लूड किया गया। तो मेरे दृष्टिकोण से ये PDF वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर ये लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, डायरेक्ट कॉल करें, फ़ोन करें, व्हाट्सअप करें और अपना PDF घर बैठे आसानी से मंगा सकते हैं, जिसमें कि 75 रुपया सिर्फ आपको पेमेंट करना पड़ेगा गूगल पे या फ़ोनपे से और ले सकते हैं। तो चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं टेक्निकल क्वेश्चन के साथ। तो फ्रेंड, हम आगे क्वेश्चन पे डायरेक्ट क्वेश्चन कराएंगे। कल हमने 230 तक क्वेश्चन करा चुके थे, आज हम उनसे आगे की क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 231 नंबर से। इसमें मेरा पहला क्वेश्चन ये रहने वाला है कि निषेचन के बाद बीजाकरण कहाँ विकसित होता है। जब निषेचन हो जाता है उसके बाद बीजाकरण जो है वो कहाँ पर विकसित होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन मेरा पहला है बीजांड, कैलाज, अध्यावरण या बीजांडाकार। तो निषेचन के बाद बीजाकरण जो विकसित होता है वो अध्यावरण में होता है। कहाँ पर होता है? अध्यावरण में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे, निषेचन के बाद बीजाकरण जो विकसित होता है वो अध्यावरण में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि प्रोटीन वेस्ट अमोनिया का यूरिया में परिवर्तित करना होना मुख्यतः होता है इनसे। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रोटीन वेस्ट अमोनिया का यूरिया में परिवर्तित होना मुख्यतः क्या कहलाता है इन चारों में से। तो प्रोटीन वेस्ट अमोनिया का यूरिया में जो परिवर्तित होता है वह मुख्य रूप से कहलाता है एकृत। क्या कहलाता है? एकृत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, एकृत कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, निम्नलिखित रोगों में कौन एक वायरस द्वारा होता है। कह रहा है कि निम्नलिखित रोगों में कौन एक वायरस द्वारा होता है। ऑप्शन एक हैजा, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस या मलेरिया। तो निम्नलिखित रोगों में जो वायरस से होने वाला रोग है वो हेपेटाइटिस रोग है। कौन सी रोग है? हेपेटाइटिस। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, हेपेटाइटिस रोग जो है एक वायरस से होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य व्यक्ति का pH क्या होता है। सामान्य व्यक्ति के रक्त का pH मान पूछ रहा है। यहाँ पर सामान्य व्यक्ति के रक्त का pH मान कितना होता है? ऑप्शन क्या है? 4.5 से 4.6, 6.45 से 6.55, 7.35 से 7.45, 8.25 से 8.35। तो सामान्य व्यक्ति के रक्त का जो pH मान होते हैं वो सामान्य रूप से जनरली 7.35 से 7.45 तक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखेंगे, सामान्य व्यक्ति के रक्त का pH मान 7.35 से 7.45 तक होते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है। ग्लाइकोलाइसिस का जो अंतिम रूप से क्या उत्पाद होता है? ऑप्शन एक C2H5OH, पाइरुविक अम्ल या CO2 या फिर ग्लूकोज। तो ग्लाइकोलाइसिस का जो अंतिम उत्पाद होता है वह होता है पाइरुविक अम्ल। कौन सा होता है? पाइरुविक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी यहां पर याद रखेंगे, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद पाइरुविक अम्ल होते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं, डॉल्फिन किस वर्ग में वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन जो है किस वर्ग में वर्गीकृत किए जाते हैं? मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग या फिर लाइपेज। बताइए फटाफट आंसर।
डॉल्फिन जो है किस वर्ग में वर्गीकृत किए जाते हैं, तो डॉल्फिन लाइपीज में वर्गीकृत किए जाते हैं। कहाँ पर वर्गीकृत किया जाता है, लाइपीज वर्ग में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से याद रखेंगे, डॉल्फिन लाइपीज वर्ग में वर्गीकृत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा वसा पाचक एंजाइम है, चार ऑप्शन हम दिखाते हैं उसमें से बताना है कौन सा वसा पाचक एंजाइम है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, पहला है एमाइली पेप्सिन, पहला क्वेश्चन मेरा ये है एमाइली पेप्सिन, दूसरा पेप्सिन, चौथा एरेप्सिन, पांचवा लाइपेज। तो बताना है निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचक एंजाइम है, तो वसा पाचक एंजाइम जो है वो लाइपेज है। कौन सा है, लाइपेज, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से याद रखेंगे। इन चारों में से वसा का जो एंजाइम है, पाचक एंजाइम है, वो कौन सा है, लाइपेज, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस में मायोसिन पाई जाती है, इसमें किस में लिखना, किस में जो है लिखा हुआ गलत लिख दिया है, किस में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस में मायोसिन पाई जाती है, बाल में, दूध में, एरेप्सिन में, या फिर लाइपेज में। बताइए इन चारों में से किस में मायोसिन पाए जाते हैं, तो एरेप्सिन में मायोसिन पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। इन चारों में से एरेप्सिन में मायोसिन पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक कौन सा है, शहद में प्रमुख रूप से क्या होते हैं, प्रमुख घटक कौन सा है, पहला ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, या फिर फ्रक्टोज। तो शहद का जो प्रमुख घटक होते हैं वो फ्रक्टोज होते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहां पर याद रखेंगे राइट आंसर, फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख घटक कौन सा है, फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, खाद्यान्नों को ग्रस्त करने वाली कीटों की वृद्धि होती है, खाद्यान्नों को जो खाने पीने वाला जो होता है उनको जो ग्रस्त करने वाली कीट होते हैं उनकी वृद्धि दर सबसे अधिक कितना होता है, सबसे अधिक यहाँ पर पूछ रहा है। तो खाद्यान्नों को जो वृद्धि करने वाली कीटों की वृद्धि दर सबसे अधिक होता है 30 से 32 डिग्री सेल्सियस पर, कितने डिग्री पर होता है, 30 से 32 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक वृद्धि दर होता है खाद्यान्नों को ग्रस्त करने वाली कीटों की वृद्धि दर। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, यूरिया का रासायनिक सूत्र बताना है इनमें से कौन सा है, NH4Cl, NH2CONH2, NH2CONH4, NH2CONH23। बताइए रासायनिक सूत्र क्या है यूरिया का, तो यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CONH2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां पर याद रखेंगे NH2CONH2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां पर देखेंगे NH2CONH2 यूरिया का रासायनिक सूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोमेट्रोट्रॉफिक हार्मोन कहाँ स्रावित होता है, तो सोमेट्रोट्रॉफिक हार्मोन जो स्रावित होते हैं वो पिट्यूटरी ग्रंथि में होते हैं, कहाँ पर, पिट्यूटरी ग्रंथि में सोमेट्रोट्रॉफिक हार्मोन स्रावित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखेंगे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर के तापमान का अचानक से उच्च से सामान्य हो जाना क्या कहलाता है, शरीर के तापमान का अचानक से उच्च से सामान्य हो जाना क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर एक कठोरता, बी लीसिस, सी फास्टिगियम, या डी संकट। तो शरीर के तापमान को अचानक अधिक से सामान्य हो जाना क्या कहलाता है, संकट कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर याद रखेंगे संकट। अगला क्वेश्चन, नर्स निगरानी करके नवजात शिशु की ऑक्सीजन की पर्याप्तता का मूल्यांकन करती है, कह रहा है कि एक नर्स जो होता है निगरानी करके नवजात शिशुओं की ऑक्सीजन की पर्याप्तता का मूल्यांकन करती है, किस टाइप का मूल्यांकन करती है, तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, हाथों और पैरों का साइनोसिस करके, धमनी रक्त गैस का स्तर करके, प्राप्त ऑक्सीजन की प्रतिशतता करके, या पल्स रेट लगातार करके। तो एक नर्स जो वो पता करती है वो धमनी रक्त गैस के स्तर को देख करके एक नर्स नवजात शिशुओं की ऑक्सीजन की पर्याप्तता की मूल्यांकन करती है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखेंगे धमनी रक्त गैस का स्तर को देख करके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वोल्वुलस को किस नाम से भी जाना जाता है, वोल्वुलस को किस नाम से भी जाना जाता है, आंत्र की हर्निया, आंत्र की दूरबीन, आंत्र का असंजन, या आंत्र का मुड़ना, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखेंगे आंत्र का मुड़ना, वोल्वुलस को नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी आंत्र का मुड़ना।
अगला क्वेश्चन है, अच्छा से देखिएगा, एक नर्स रोगी की श्वसन स्थिरता का आकलन करती है, निम्न में कौन सा लक्षण हाइपोकोसिसिया का प्रारंभिक संकेतक है। इसमें से कह रहा है कि एक नर्स रोगी की श्वसन स्थिति का आकलन करती है, श्वसन स्थिति का आकलन करती है, इनमें से कौन सा लक्षण हाइपोपक्सिया का प्रारंभिक संकेतक है। तो इन चारों में से बेचैनी एक लक्षण होता है जो कि हाइपोपक्सिया का प्रारंभिक लक्षण होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखेंगे, बेचैनी हाइपोपक्सिया का एक प्रारंभिक संकेतक होते हैं, लक्षण होते हैं। अगला क्वेश्चन, एब्रप्टियो प्लेसेंटा का अर्थ है सामान्य से पहले अलग होना, समय से पहले अलग होना। यहाँ कह रहा है कि एब्रप्टियो प्लेसेंटा का क्या अर्थ है, समय से पहले अलग होना, क्या होता है समय से पहले अलग होना, एब्रप्टियो प्लेसेंटा का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है सामान्य रूप से स्थित प्लेसेंटा, समान एब्रप्टियो प्लेसेंटा का जो अर्थ है सामान्य रूप से स्थित प्लेसेंटा जो कि समय से पहले अलग होना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, माँ का रक्तचाप 170-100 mmHg तक चढ़ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नर्स को यह सुझाव देगा कि रोगी को एंठन हो सकती है। माँ का रक्तचाप 170-100 mmHg तक हो जाता है, चढ़ जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नर्स को यह सुझाव देगा कि रोगी को एंठन हो सकती है। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन बी जो है पीठ के ऊपर के हिस्सों में दर्द होना, ये एक सुझाव देती है कि रोगी को एंठन हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो गया, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये है, एक नर्स सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी के लिए तैनात रोगी का आकलन करती है, कौन सा मूल्यांकन डॉक्टर से संपर्क करने की आवश्यकता को इंगित करती है। तो वरन की हृदय गति 180 बीट प्रति मिनट होना चाहिए, यही एक मूल्यांकन है जो कि डॉक्टर से संपर्क करने की एक आवश्यकता को इंगित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखेंगे, भ्रूण की हृदय गति 180 बीट प्रति मिनट होना चाहिए, भ्रूण की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये है, ट्यूब के माध्यम से तरल पदार्थ और पोषण देने की कृत्रिम विधि क्या कहलाती है। ट्यूब के माध्यम से तरल पदार्थ और पोषण देने की कृत्रिम विधि क्या कहलाती है, गैस्ट्रिक गैवेज, इनमें से कोई नहीं, आंतों की खराबी या लंब। तो इन चारों में से जो राइट आंसर होगा गैस्ट्रिक गैवेज, यही है राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर एक, जो कि ट्यूब के माध्यम से तरल पदार्थ और पोषण देने की कृत्रिम विधि कहलाती है, तो गैस्ट्रिक गैवेज ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रक्तदान के दौरान वेनोस्पाज्म को किसके द्वारा कम किया जा सकता है। तो रक्तदान के दौरान जो है वेनोस्पाज्म को कम किए जाते हैं रोगी के हाथ को गर्म रखकर रक्तदान के दौरान वेनोस्पाज्म को कम किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां से याद रखेंगे, राइट आंसर, रोगी के हाथों को गर्म रख के। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइब्रिनोजेन को किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित किया जा सकता है। तो थ्रोबिन के द्वारा फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में परिवर्तित किया जा सकता है। तो थ्रोबिन यहाँ पर याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर, थ्रोबिन जो कि फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन मेरा ये है, हाइपोमैग्नेशिमिया के लक्षण के लिए मैग्नीशियम सल्फेट प्राप्त करने वाली माँ के लिए नर्स के लिए सबसे पहले ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण संकेतक है। तो इनमें से जो डीपी टेंडन रिफ्लेक्शन में कमी है, ये एक महत्वपूर्ण देखने वाली बातें हैं, एक महत्वपूर्ण संकेत है डीप टेंडन रिफ्लेक्शन में कमी, जो कि मैग्नीशियम सल्फेट प्राप्त करने वाली माँ के लिए एक इम्पोर्टेंट संकेतक है, जो कि नर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली संकेतक है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स में कमी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निगलने की कठिनाई क्या कहलाती है। तो निगलने में जो कठिनाई होता है उसे ही निगलने की कठिनाई कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्यूमिगेशन किसके द्वारा माध्यम से एक प्रकार का कीटाणुनाशन शोधन है।
कहता है कि फ्यूमिगेशन किसके माध्यम से एक प्रकार का कीटाणु शोधन है। तो फ्यूमिगेशन जो है गैसों के माध्यम से एक प्रकार का कीटाणु नाशन शोधन है गैसों के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर याद रखेंगे जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नैदानिक विशेषता नर्स को लिथियम विषाक्तता के प्रति सचेतक करती है। तो इन चारों में से मतली और उल्टी के साथ जो एनोरेक्सिया होती है यही नैदानिक विशेषता नर्स को लिथियम विषाक्तता का प्रति सचेतक करती है। मतली और उल्टी के साथ एनोरेक्सिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जीवन सामग्री को नसबंदी के लिए ऑटोक्लेव किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी सीवन सामग्री को नसबंदी के लिए ऑटोक्लाइव किया जा सकता है। तो सीवन सामग्री को नसबंदी के लिए जो ऑटोक्लाइव करते हैं वो रेशम और लीलन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन के लिए ओटी नर्स को तैयार करना चाहिए। ऑपरेशन जो होता है उसके लिए ओटी नर्स जो होता है उसको क्या तैयार करना चाहिए। तो आपातकालीन ट्रॉली तैयार करना चाहिए ऑपरेशन के लिए ओटी नर्स को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखेंगे, आपातकालीन ट्रॉली। अगला क्वेश्चन, लिथोटॉमी पोजीशन का प्रयोग ऑपरेशन के लिए किया जाता है। लिथोटॉमी पोजीशन का प्रयोग ऑपरेशन के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सारा आंसर है। लिथोटॉमी पोजीशन का जो प्रयोग किया जाता है ऑपरेशन के लिए उसमें योनि, मूलाधार, गुदा नालिका, ये सारा इनमें से सभी आंसर सही है। राइट आंसर डी हुआ, इनमें से सभी योनि, मूलाधार, गुद्दा नालिका, लिथोटॉमी पोजीशन का प्रयोग ऑपरेशन के लिए किया जाता है, तो इन सारे को। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण को भोजन की आपूर्ति कहाँ से होती है। भ्रूण का जो भोजन की आपूर्ति होती है वो अपरास से होती है। एक भ्रूण को भोजन की जो आपूर्ति होती है वो अपरास होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण को भोजन की आपूर्ति। अगला क्वेश्चन है, सांस लेने की पूर्ण समाप्ति कहलाती है। सांस लेने की जो पूर्ण समाप्ति होती है वो क्या कहलाती है। तो एपनिया कहलाती है। सांस लेने की जो पूर्ण समाप्ति होते हैं एपनिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, सेप्टिसीमिया क्या है। सेप्टिसीमिया एक होता है सेप्टिसीमिया, ये क्या है सेप्टिसीमिया। तो रक्त प्रवाह में बैक्टीरिया का आक्रमण और गुणन यही सेप्टिसीमिया कहलाती है। आंसर से यहाँ पर राइट आंसर, रक्त प्रवाह में बैक्टीरिया का आक्रमण और गुणन। तो फ्रेंड आज हम फिर कुछ इंपोर्टेंट वीवीआर टेक्निकल क्वेश्चन आपको करवा दिए। आप इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, कोई डॉट वॉट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही फ्रेंड अगर आपको ये नोट्स लेना है तो फिर हम आपको बता दूँ, डिस्क्रिप्शन में नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करें या फिर नंबर नोट करें 8789692 याद रखिए 8789692 इस पर कॉन्टैक्ट करें। और फटाफट ये पीडीएफ टेक्निकल का आप मंगा सकते हैं अपने मोबाइल पर। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, बैक टू बैक क्लास हम फिर से अपडेट करते हैं जीके जीएस का जस्ट इसके बाद। तो देखते रहे फास्ट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।